हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और ये व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं 25th ऑफ नवंबर से, जहाँ पे शूट में अजूनी के शूट में एक धमाकेदार एक्शन सीक्वेंस था, तो मुझे लगा कि आपको दिखाना चाहिए। चला स्पीड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ऊपर, ऊपर, रिसेट। आलू ले लो दादा, आलू लो के कांदा, बैगन, आटा, आटा ले, आटा क्या लेंगे, आटा। ओके, सबसे पहले एक्शन के गाड़ी चल रही होगी तो ऊपर आ चुका है। आओ पास बैठे पल दो पल, आज नहीं कल, हो आज नहीं कल। अब मजे लेने यहाँ पे शूट करने नहीं आया सर, ऐसा लग रहा है। काम ऐसे ही होता है, मजे लेते लेते शूट करना चाहिए, हमारा ये पैटर्न है, हम खुश रह के काम करते हैं और खुश रहते हैं। देखो आप हैं तो हम हैं। और स्टीयरिंग घुमाया शोएब ने, और ये बैग, वेरी गुड शोएब, फुट के भागा, पकड़ लो उसको, बढ़िया। तूने मारा हुई लूटा तक गया, स्वेप गया, स्वेप गया, जैसे तो इतने चिल्लाई और ये भाग गया। कौन इतने मजू में आ जाएगी, कौन से मिल जाए, ठीक है। शाहरुख खान की आर्मी नहीं लगता, नहीं लगता आर्मी, नहीं लगता। अभी तो वीडियो बन रहा है, थोड़ा वाइट वाइट वाइट, थोड़ा वाइट, अभी तो वीडियो बन रहा है ना, अभी तो और फिर उसके बाद मैं गया घर, तो यहाँ पे बच्चों ने एक छोटा सा सरप्राइज प्लान करके रखा था मेरे और दीपी के लिए। मतलब शालू की कमी पूरी कर रहा है तुम लोग, सभा की। अच्छा, केक वेक उसी ने ऑर्डर किए होंगे, हम लोग जाके जाके लेके आयो, इसलिए बुला रही थी। ये मुझसे बोलती है कि 10 बजे घर आओगे, 10 तो उससे पहले ऊपर आना, वरना मेरी आदत है ना कि मैं नीचे आता हूँ, बोलती पहले ऊपर आना फिर 10 बजे नीचे आना है, तो मैं तभी समझ गया था। अस्सलाम वालेकुम सबको, छोटो बड़ों को अम्मी का प्यार भरा सलाम। तुम लोग अस्सलाम वालेकुम सबको, तुम लोग क्या करते हो? हम लोग हेलो हाय, कुछ हेलो हाय। तो आ गए हैं घर, आज बड़ा ही हेक्टिक डे था, बहुत ही टायरिंग डे था, क्या बोलूँ, डे था, अच्छा था बुरा था पता नहीं, बट हो गया, चोटें भी आ गई काफ़ी। और फिलहाल घर पे आने के बाद जो हमें एक अच्छा सरप्राइज मिला है रिजा, रेहान और शालू की तरफ से, शालू ना होके भी यहाँ पे चीज़ें कर रही है पूरी, इतनी बड़ी कैंडल तुम लोग को मिली है। तो चलो भी केक कट करते हैं, इससे छोटी कैंडल नहीं मिली तुम लोग को? वो बड़ी दिख गई, हाँ बड़ी दिख गई थी वहाँ पे। कुछ बना है क्या? 100% एंटर करते ही चिकन बनाया, बता दिया। आ रही है अच्छा वाला भाई, काटो अपनी, चलो लो काटो अभी।
आपका फेवरेट ड्रेस बताइए, आप अपना फेवरेट खिलाओ। अभी तो इसका बर्थडे आ रहा है ना। सही है। शुक्रिया बच्चों लोग, थैंक यू सबा, वहाँ पे रहते हुए भी आप सारी चीजें चालू कर लो। वीडियो छोटे छोटे सरप्राइज हैं, वीडियो कॉल कर, हाँ अभी करता हूँ, वो कर रही हो और थैंक यू। और फिर उसके बाद हम सब बैठे, खाना खाया और ये देखो यहाँ पे चल रहा था बिग बॉस, सब कितने मज़े से बिग बॉस देख रहे थे। और 27th of November उस दिन मैं गया था अकरम की शादी में, उस दिन अकरम की शादी थी। जी भाई क्या कहना चाहेंगे? खुशी है भाई। हाँ थैंक यू भाई आने के लिए। अरे मैनर्स सीख रहा है थैंक यू, सॉरी भी बोलता रहेगा अब तो। और फिर नेक्स्ट डे 28th of November उस दिन था अंकित का बर्थडे और रात में मैं सेलिब्रेट नहीं कर पाया था क्योंकि हम शादी में थे, वहाँ लेट हो गया, उसके बाद मेरी शूटिंग, तो मैं रात में 11:30 बजे घर पहुँचा एंड मेक श्योर कि केक तो एटलीस्ट मैं उसका काट सकूँ। हैप्पी बर्थडे। जब से शूट करने लगे हमारा ये रिवाज हो गया है कि बर्थडे खत्म होने से पहले से पहले हो ये लगा है, यहाँ पे कटा है, यहाँ छिला हुआ है, यहाँ भी छिला हुआ है और आंखें दिखाओ। इट्स माय हार्ड वर्किंग बॉय।
से वो हट गई ना क्यों मैं आज ही मम्मी के साथ डिस्कस करके बोल रही थी बड़ा अच्छा लगता है मम्मी नहीं भाई सही था भाई है वो तो दादी बड़ा लग रहा है बड़े लगते हो हां ये दिस इज योर एज करेक्ट चलो बच्चे चलो क्या है चलो भाई सेट के बाद भी एक्शन हो जाता हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे डियर अंकल हैप्पी बर्थडे टू यू थैंक यू भाई थैंक यू सो मच छठा केक आज तो छठा केक केक घर पे भी आया था सबका एक एक केक आया था अरे क्या ठंडा है इनके दुख चलो जा रहा हूँ अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ सुबह होगा मैं इंशाल्लाह कितने टाइम पापा शायद 6:30-6 जैसे देखते हैं बाय देव बाय तो गाइस फाइनली मैं इस व्लॉग का एंड जो है वो आज ले रहा हूँ बस ले रहा हूँ तो एक्चुअली क्या है कि इस दौरान सच में इतना ज़्यादा हैक्टिक शेड्यूल था कि जेन्युइनली जो है वो व्लॉग्स बनाने का मौका नहीं मिला रात को लेट आ रहा है आना हो रहा है मेरा एंड देन सेट पे बहुत सारी हैक्टिक चीज़ें चल रही थी एंड देन वाह 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 माशाल्लाह आपके बीच में क्या ही बातें सब कुछ लोग ऐसे पका रहे थे तो मेरा और इंटरेस्ट खत्म हो गया था मैं कहता अभी मुझे कुछ बोलना ही नहीं है मेरे को एक फोटो भी नहीं पोस्ट करनी है अभी ठीक करो जो करना है तो फिलहाल आज जो है मेरी है नाइट शिफ्ट है और प्लस थोड़े से मुझे हेयर कट जो है वो करने हैं तो अच्छे लग रहे हैं देखो इस बार मैं बोल रही हूँ भाई माशाल्लाह बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं मत काटो नहीं पर थोड़े से इस बार मैं बोल रही हूँ देखो बाल मत काटो बहुत अच्छे स्क्रीन पे थोड़े से वो ज़्यादा दिख रहे हैं तो ट्रिम करना है क्योंकि मुझे सलून जाने का टाइम नहीं मिल रहा है तो इसलिए मैं सेट पे ही एक घंटे क्यों बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं हाँ स्क्रीन पे उसको सेट करने के लिए थोड़ा कट करने की जरूरत पड़ेगी थोड़ी सी क्योंकि अब जब स्क्रीन पे मोमेंट है तो हो जाता है तो फाइनली आज व्लॉग जाएगा इतने दिनों के बाद एंड क्या बोलूं मैं अभी तो जनरली मेरे पास अभी कुछ होता नहीं बना तुम क्यों नहीं बना रही व्लॉग मैं तो आलस जोन में चली गई थी देखो मैंने बहुत इतना मतलब थकान होने के बाद मैंने बहुत सोई हूँ मैंने दुबई में बहुत खाया वो आप लोगों ने हालांकि मेरा एक दुबई का व्लॉग अभी रखा हुआ है वो मैंने डाला नहीं है वो शायद मैं आज डालूंगी अभिषेक मुझे रोज़ मैसेज करता है भाभी वो डालना है और मुझे उसमें सिर्फ वॉइस ओवर्स डालने हैं मैं वो डालने के लिए आलस कर रही हूँ और जैसे कि शोएब ने कहा बीच में इतना कुछ हुआ आप लोगों ने इतने जजमेंट्स जो है फॉर्म कर लिए तो इसलिए थोड़ा सा इंटरेस्ट खत्म हो गया था बट कुछ लोग बोल रहे थे कि आप लोग कभी चेंज मत होना एंड आप जैसे हो वैसे अच्छे हो किसी के फ़र्क मत करना तो बट जेन्युइनली मैं सच बोलूं मैं सिर्फ इस वजह से नहीं कि मुझे या मैं कोई चीज़ प्रूव कर रहा हूं और यही रीज़न है कि मैंने इतने दिन ना ही कोई स्टोरी पोस्ट करी है और ना ही कोई हम दोनों की कोई भी स्टोरी या पोस्ट समथिंग है कि भाई आपको जजमेंटल होना है आप हो लो क्योंकि हमारा रिलेशन हमारा प्यार एक स्टोरी के एक पोस्ट के मोहताज है नहीं लाइफ में कभी रहा नहीं है और अलहमदुल्ला कभी ऐसी नौबत नहीं है वो उनके लिए हो जो सोशल मीडिया पर दिखाते हैं हमारा मन करता है हम रोज़ डालते हैं हमारा मन करता है महीनों महीनों डालते हैं ये हमारे मूड पर डिपेंड करता है ठीक है एंड बस वही कि भाई जिसको जो सोचना है सोच लो आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हम पहले भी बोल चुके हैं कि हमें आप कुछ भी बोलो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो हम बल्कि मज़े लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह और हमें इतना कॉन्फिडेंस है कि हम लोग जितना जीरो फिल्टर हैं उतना है आप लोगों के साथ इससे ज़्यादा जीरो फिल्टर और होने के लिए कुछ बचा नहीं और एक सिंपल सी चीज़ है कि जो हम अपने आप को आप जो हमें ट्रोल कर रहा है या हमें कुछ भी कर रहा है हम उसको प्रूफ करें क्यों exactly. हमें नहीं करना कि हमारे रिलेशन पे क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा है कैसा है नहीं है हमारे लड़ाई झगड़े यस लड़ाई झगड़े रोज होते हैं हमारा सुबह भी झगड़ा हुआ है अभी इसी चीज को लेके रोज होते हैं होना भी चाहिए बट प्रूफ करने की नौबत आए कभी जिंदगी में नहीं और स्पेशली उन लोगों को तो बिल्कुल नहीं जो इस चीज को लेकर जजमेंटल हो रहे हैं एंड आप सब लोग जो बोल रहे हैं कि दीपिका ने वो क्या बोले वो मीडिया पर्सन भी नहीं था बेसिकली नहीं वो मीडिया पर्सन भी नहीं था आपने उसको उंगली दिखाई क्योंकि वो उसको बचा रहा था तो गाइस हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना आप मीडिया की फुटेज देखते हैं उससे पहले क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है क्या हुआ क्या नहीं हुआ कौन कितना पाउंस हुआ एंड मीडिया आप ठीक है हम भी उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हमारे पास आते हैं हम हमेशा उनको बोलते हैं कि भाई आप हैं तो हम हैं मैं हमेशा बोलता हूँ उस चीज़ को मेंटेन करता हूँ लेकिन मीडिया को भी अपनी डिसेंसी मेंटेन करनी चाहिए कहीं भी
समझे ना, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। और यही रीजन है कि कहीं कहीं हम लोग हमेशा मीडिया को अवॉइड करते हैं, जब हम काम नहीं करते ना, जब हमारे पास कुछ काम नहीं होता, चीजें नहीं होती, हम घर पे होते, हम नहीं जाते मीडिया के पास, हम नहीं फोन करके किसी को बोलते कि भाई हम यहाँ पे आ रहे हैं, आ जाओ, हम नहीं बोलते, हमारा है ही नहीं वैसा नेचर। बट हाँ, यस, मीडिया को भी अपनी डिसेंसी मेंटेन करनी चाहिए कि जब कोई इंसान है कहाँ पे है तो किस तरह के उसको पाउंस करना है, घेर लेना है, क्या कर लेना है। और आपको लगता है कि वो ठीक है, दिखाया, हाँ दिखाया, और बहुत प्राउडली दिखाया इस चीज़ को, मैं इस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ दीपिका, बहुत प्राउडली दिखाया, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ पे क्या चीज़ थी। और एक सिंपल सी चीज़ है, एटीट्यूड आ गया है, हाँ आ गया है, हमें आपको प्रूफ नहीं करना, हमें उसको प्रूफ करना, वो जानता है, वो जानता है, बाकी आपको जोक करना है करो, आपको ट्रोल करना है आप ट्रोल करो, आपको रोस्ट करना है आप रोस्ट करो, आपको जो करना है आप वो करो। एक चीज की हमेशा खुशी रहेगी कि वी आर देयर, क्योंकि हमारी वजह से आपके घर चल रहे हैं, हमारी वजह से आपके चैनल चल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मतलब ये ऊपर वाले की सबसे बड़ी इज्जत है कि हमें ट्रोल करके लोगों के चैनल चल रहे हैं, उनको फेम मिल रहा है, तो यही नाम आने, तो यहीं से आप समझ सकते हैं, यहीं से आप सोच सकते हैं कि अल्लाह ने किसको इतनी इज्जत नवाजी है। एंड एक चीज मैं और बोलना चाहूंगी, जो ट्रोल करते हैं, जो हेटर्स हैं वो है, लेकिन जो हमें जेन्युइनली प्यार करते हैं, मुझे कल मैं बाहर निकली थी, कल मुझे इतने लोग मिले हैं, और मेरे चैनल पे भी इतने सारे लोगों के मैसेजेस हैं जो कह रहे हैं कि आप लोग जैसे हो वैसे हो, आप प्लीज़ अपना मन उदास मत करो, हम आपके साथ हैं, हम आपको जानते हैं। तो उन सब के लिए दिल से प्यार, थैंक यू सो मच गाइस, हम जैसे हैं हम वैसे ही रहेंगे। तो बस ये है, और देखो गाइस, अभी आगे भी ऐसा हो सकता है कि मैं ब्लॉग हो सकता है रोज़ डाल दूँ, हो सकता है मैं फिर 4-5 दिन डाल दूँ, क्योंकि जनरली मेरी शेड्यूल बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है, और रात में मेरा 11 बज जाता है ना, फिर उसके बाद समझ नहीं आता क्या शूट करो। और इनकी बहुत ज़्यादा मेहनत चल रही है, बहुत ज़्यादा, मतलब एक चीज़ मैं आप सबको जेन्युइनली बोलना चाहूँगी, ये अपनी तारीफ बहुत कम करते हैं, तो जिस तरीके की मेहनत शोएब आप करते हो इसी ब्लॉग में ना, वो एक्शन सीक्वेंस वगैरह वो सब बीच में, हाँ ये जिस लेवल की मेहनत करते हैं ना, मतलब सच में हैट्स ऑफ। क्यों निकू सर जो स्टंट्स करते हैं एकदम माइंड ब्लोइंग, रोज इतने हम लोग इतना दर्द होता रहता है हम लोगों को, यहाँ छिला हुआ है, यहाँ छिला हुआ है, उंगली पे छिला हुआ है, यहाँ पे कट पड़ा हुआ है, तो हैट्स ऑफ। और प्लीज आप अजूनी का आने वाला ट्रैक जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें जो शोएब ने किया है ना, वो आज तक मैंने कभी नहीं देखा है। और जो शोएब और आयुषी का जो उसमें ट्रैक है, जो उनकी केमिस्ट्री निकल के आई है, वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग लगी है, तो मैं वेट कर रही हूं। वही जैसे कि हम मैंने कई मीडिया बाइट्स में बोला है कि बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं अजूनी के स्पेशली वेट कर रहे थे कि यार कब उसमें कोई ऐसा रोमांस ट्रैक आएगा, रोमांस लड़ाई झगड़ा, यस लड़ाई झगड़ा है, ड्रामा है, क्योंकि डेली शो बिना ड्रामे के होते नहीं है, मतलब वो एक कंप्लीट ट्रैक है, कंप्लीट पैकेज है, रोमांस भी है उसमें, ड्रामा भी है, और बहुत सारी, और जो चीज ऑडियंस को मिसिंग लग रही थी रोमांस बेसिकली, वो है, गाने वाने सारी चीजें हैं, तो इंशाल्लाह आपको आगे बहुत मजा आने वाला है। एंड बस इसी नोट के साथ मैं ये वाला ब्लॉग जो है वो एंड करता हूँ, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक खुश रहिए, प्यार बांटिए, अपना ख्याल रखिए, जो मर्जी है वो करिए, सही चीज़ करनी चाहिए, पहले उसको प्यार कीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, वक्त बताइए सही गलत सोच समझ के, बाकी आपकी मर्जी है। और प्लीज़ अगर आप खुश होते हैं तो प्लीज़ 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 हमें ट्रोल करते रहिए, क्योंकि हमें बड़ा मजा आता है। आई लव यू, जाती जाती मेरी मेहंदी दिखे, कितनी प्यारी लगती है, आई लव यू, बाय 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 बाय, चलो सलाम कर लो, अस्सलाम वालेकुम सबको, छोटे बड़ों को अम्मी का प्यार भरा सलाम, खुश रहो। क्या खाना पापा का? हाँ, जा रहा हूँ मैं, ये क्या है, दाल मेथी कबाब, जा रहा हूँ, ठीक है, सुबह में इंशाल्लाह, ठीक है ठीक है ठीक है, पानी पी के जाऊँगा, हाँ।